व्यक्ति को हम लोगों को सिफारिश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एक। दूसरी बात यह है कि विदेश मंत्रालय में कोई इस प्रकार की फाइल है क्या। तीसरी बात, वे उन्होंने शपथ ली है संविधान की, जिसमें वे निष्पक्षता से काम करेंगे, इसमें पूर्णतः पक्षपात रूप में उन्होंने काम किया है। नंबर चार, प्रधानमंत्री जी को उन्होंने बताया था कि नहीं बताया था। अगर बताया था तो प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए, अगर नहीं बताया था तो प्रधानमंत्री जी को तत्काल उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। जहां तक वसुंधरा जी सिंधिया जी का बात है, वो और भी गंभीर है। वो स्टेटमेंट देती हैं, सिफारिश करती हैं कि ललित मोदी मेरे बड़े मित्र हैं, बड़े अच्छे हैं, इन्होंने क्रांति की है क्रिकेट के अंदर, और उनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स को की सिफारिश उन्होंने की है। लेकिन साथ में उन्होंने शुरू में कह दिया है कि मैं तभी ये बयान दे रही हूं जबकि आप भारतीय जो अथॉरिटीज हैं, भारत की अथॉरिटीज हैं, उनको बताएंगे नहीं। क्यों नहीं बताएंगे? क्या ऐसा कोई व्यक्ति जो केंद्र सरकार में भी मंत्री रहा हो, जो मुख्यमंत्री भी रहा हो, तत्कालीन लीडर ऑफ अपोजिशन रहा थी उस समय, कौन सी बात भारत से सरकार से छुपाना चाहती थी? ये तो बहुत बड़ा अपराध है। और इसमें भी अगर भारतीय जनता पार्टी दोनों का बचाव कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वे सब लोग इसमें शामिल हैं। ये भी नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहिए कि गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में ललित मोदी जी ने उनका सहयोग किया था कि नहीं किया था। क्या ललित मोदी जी को श्री नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद की क्रिकेट टीम को आईपीएल में शामिल करने की सिफारिश की थी कि नहीं की थी? ये सारी बातें उजागर होना चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा जी और प्रियंका वाड्रा जी अगर लंदन के किसी रेस्टोरों में अगर मिल जाएं तो कोई अपराध है क्या? लेकिन सर इसी मिलने मिलाने को लेकर इतना विवाद खड़ा हो रहा है। मिलने विवाद नहीं है, विवाद किस पर है? आप गलत बता रहे हैं। विवाद इस बात का है कि भारत की विदेश मंत्री ने बिना रूल्स ऑफ बिजनेस को अपनाते हुए उन्होंने ललित मोदी के ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स ब्रिटिश सरकार के द्वारा वापस लौटाने के लिए उन्होंने सिफारिश की। विदेश मंत्रालय की फाइल पर कोई ऐसा प्रकरण नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर इस प्रकार का इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का मनी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का इवेजन, उसके आपराधिक प्रकरण में वे भागे हुए हैं, उसकी सिफारिश विदेश मंत्री कर रहा है, वो बात अलग है। इसी प्रकार वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने ये कहा है कि किसी प्रकार से भारत की सरकार को पता नहीं पड़ना चाहिए। क्या रॉबर्ट वाड्रा जी कोई सरकार के अंग है? क्या प्रियंका जी किसी सरकार की अंग है? क्या उन्होंने कुछ लिखकर सिफारिश की है? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? लेकिन सर भगोड़े से मिलना कोई अपराध नहीं ना? भगोड़े से मिलना जो कोई अपराध नहीं। भाई अरे अरे रेस्टोरेंट में आप हैं और कोई आके उनसे मिल रहा है तो क्या बात है? क्या वहां से उनको भगा देंगे? सर एक्सीडेंटल मुलाकात थी, वो लोग बैठे हुए थे, एकदम से रॉबर्ट ललित मोदी आए, उन्होंने नमस्कार किया। क्या एक्सीडेंटल मुलाकात थी और क्या थी इसमें? कोई बड़ी बात है क्या? मुझे इस बात पर हंसी आती है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों की बचाव कर रही है जिन्होंने कि लिखित में ललित मोदी की सिफारिश की है, और बचाव में क्या कह रहे हैं कि प्रियंका जी और रॉबर्ट वाड्रा जी उनसे रेस्टोरेंट में अचानक मुलाकात हो गई, ये उनका बचाव है। धन्य हो भाजपा।